दोस्तों अगर आप भी ऐसे मुश्किल वक्त में भारतीय टीम का समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद बुरी तरीके से रो पड़े रोहित शर्मा, लेकिन अपने बयान में विराट कोहली से लेकर जडेजा पर भी कुछ ऐसा कह गए भड़कते हुए कि सुनकर हर कोई दंग रह गया। आखिरकार कोहली, जडेजा और बल्लेबाजी लाइनअप पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए क्या बोले कप्तान रोहित, उनका यह बयान आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, वाकई में इस पूरे मैच में किसकी गलती की वजह से हम हारे? क्या वो रोहित के फैसले थे, क्या वो गेंदबाजी थी या कोहली थे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 202 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब हम ओवल के मैदान में इस उम्मीद के साथ पहुंचे कि 10 साल से हो रहा आईसीसी ट्रॉफी का इंतजार फाइनली खत्म होगा, तो वो सपना आज टूट चुका है। 145 करोड़ भारतीय फैंस आज वाकई में खून के आंसू रो रहे होंगे, क्योंकि जिनकी टीम टेस्ट में नंबर वन है, ओडीआई टी20 में धमाल मचा रही है, वो आकर इस तरीके से हारे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। पहले दिन से ही ऑस्ट्रेलिया ने हम पर दबाव बनाकर रखा, वो चाहे उनके 470 रन थे या हमारे खिलाड़ियों का 296 पर आउट होना था। खैर मामला जब दूसरी इनिंग के खत्म होने तक पहुंचा, तब तक हमें 444 का टारगेट मिल चुका था। अब 200 लक्ष्य को चेस करना एक बड़ा सवाल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम तैयार लग रही थी और हम थोड़े घबराए हुए, और ये घबराहट हमें मैदान में भी देखने को मिली। माना कि गिल और रोहित ने एक अच्छी खासी शुरुआत भारत देश को दिला दी थी, लेकिन क्या शुरुआत से चेस पूरा हो जाता, उसे आगे भी तो बरकरार रखना था। गिल तो मात्र 18 रन पर कैच आउट होकर चल दिए, और सेम डे यानी कि चौथे दिन में ही 200 रोहित शर्मा भी आउट हो गए। 43 रन पर रोहित के आउट होते ही फिर पुजारा भी जाते जाते 27 पर चल दिए, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि एक खिलाड़ी आ रहा है तो दूसरा मैदान से बाहर जा रहा है। खैर पांचवा दिन आया और आज हमें 286 रन चाहिए थे जीत के लिए। विराट कोहली पर सबकी निगाहें बनी हुई थी, 44 रन जो लगा चुके थे, लेकिन अभी अपनी बारी में 5 रन जोड़े ही थे कि स्कॉट बोलैंड की गेंद पर एक लापरवाही भरा शॉट खेलकर 200 विराट कोहली 49 पर आउट हो गए, और जडेजा की तो बात ही मत कीजिए। एक गेंद छोड़कर दोस्तों जड्डू 0 पर यानी कि गोल्डन डक पर आउट हुए इस लक्ष्य को चेज करने के सफर में। शार्दुल ठाकुर भी प्रेशर ले गए, वो भी 0 पर आउट हुए, और मिचेल स्टार्क भी रहाणे का विकेट ले गए। अब बचा ही कौन था, जिसके बाद एक एक करके बाकी बचे हुए विकेट भी गिरे, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 234 पर भारत को समेट कर रख दिया और 209 रन के अंतर से मैच को जीता है। ये कितनी बड़ी और भीमकाय जीत है आप अंदाजा लगा चुके होंगे आंकड़े सुनकर। लेकिन दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं कि हार के बाद रोहित शर्मा बुरी तरीके से बौखला गए, और हार का ठीकरा उन्होंने किस किस पर फोड़ा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों हार के बाद रोहित शर्मा ने कहा, मुझे लगता है कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला हमारा बिल्कुल सही था। पहले सेशन में हमारे गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से रोका, और उसी अच्छे से रोकने की वजह से उनके 70 पर 4 विकेट भी हो गए थे। लेकिन क्रेडिट जाना चाहिए ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ को, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी टीम को संभाला, और कुछ ऐसा संभाला कि हमारी टीम को कुचलते ही चलेगा। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे गेंदबाजों ने जरूरत से ज्यादा रन लुटाए, और पहली इनिंग के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा टोटल बना चुका था कि उन्हें मैच के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, और फिर हमारी बल्लेबाजी भी बहुत ज्यादा खराब रही। मैं उन 145 करोड़ भारतीयों से आज माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि हमारी बल्लेबाजी उस लायक थी ही नहीं कि हम ऐसे फाइनल में खेल सकें। हमने सोचा तो यही था कि मैदान में जाकर एक अच्छा खासा टोटल बनाने का प्रयास करेंगे, बल्कि 470 से ऊपर ही ले जाएंगे स्कोर को, लेकिन अफसोस हमारी गाड़ी 296 से आगे बढ़ नहीं पाई। और दूसरी इनिंग्स में मुझे इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि पैट कमिंस कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे। 444 का टारगेट भले ही चेसेबल लग रहा था, और हमने इसके लिए मेहनत भी करी, लेकिन खिलाड़ियों का एक के बाद एक आउट होना, लगातार विकेट्स गंवाना पांचवें दिन के खेल में मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। खासतौर पर विराट कोहली और रविंद्र जडेजा का एक ही ओवर में आउट हो जाना, ये मुझे अब तक चुभ रहा है। लेकिन मैं किसी भी एक खिलाड़ी की गलती नहीं निकालना चाहूंगा, बल्कि हार का जिम्मा खुद अपने ऊपर भी लेना चाहूंगा। एज अ कैप्टन मैं अपनी टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पाया, एज अ टीम हम लोग देश के लिए परफॉर्म नहीं कर पाए, तो सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि हम आईसीसी नहीं जीत पाए, लेकिन हमें समर्थन जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित शर्मा ने हार का ठीकरा भले ही गेंदबाजों से लेकर कोहली, जड्डू हर किसी पर फोड़ा है, लेकिन खुद को भी हार का जिम्मेदार बताया। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा भावुक भी नजर आ रहे थे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, ये हार किसकी वजह से मिली है, या फिर आप भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने वाले हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।